सलामैकम दोस्तों, तो मैं हूँ इजाज़ चंजन। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजाज़ चंजन। सो एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अजूबा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा दरख्त है ये, और ये दरख्त की जड़ में जो है एक कुआँ है। ये कुआँ, हाँ, ये कुआँ है और ये शफा वाला ट्री है, इसको बोलते हैं शफा वाला दरख्त है। ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह व सुभान तेरी कुदरत। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में ये कुआं काफ़ी कितने सौ साल पुराना है, और बाद में मेरे ख्याल में ये दरख्त उगा है इधर से। तो देखें ये दरख्त कैसे उन्होंने जो है ना, देखें दरख्त ने कैसे अपनी जगह बनाई है ये। दरख्त ने जो है ना ये जगह बनाई है वो दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह है, और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओनी ड्रिल, ada orang kontrak dulu. Oh, kipas kipas. Mancing mancing mancing. Tak tak, kipas saja. Ini confirm kipas punya itu. Ini motor kipas sebelah dia itu. Saya ingat dia korek tanah ni 2 meter. Saya ingat bukan dia orang buat sendiri ni. Betul-betul? Dulu ini dia buat ini. Lepas tu ini pokok dia akan sendirilah. I think the hole is already here. Then they build the stages stone. Nanti we see the perigi. दोस्तों, बहुत ही अच्छा मज़ा है इधर कैंपिंग करने का। ये देखो, हमारे साथ में ये अभी आए थे, इन्होंने जो है ना, मेरे ख्याल में इनकी तैयारी है तो कोई बंद 2-3 दिन रहने की। ये देखो, उन्होंने अपना खेमा लगा दिया इधर में, वो सामान भी लेकर आए हैं। ये दो, सिर्फ दो आदमी हैं, कपल है मेरे ख्याल में, बहुत सारा सामान लेकर आए हैं ये लोग। ये पहले आए थे ये जगह देखने के लिए, अभी इन्होंने अपना खेमा लगा दिया है। खेमा लगाने के बाद ये अभी सिस्टम बना रहे हैं, तो खाना बनाने की सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। इनके पास हमने लाइट्स भी देखी हैं, रात को इधर में रहेंगे इस दरख्त के नीचे, हो सकता है रात को थोड़ा बाहर ले जाएं ये, या इधर ही स्टे करें, तो बहुत ही मुनासिब जगह है। तो सांप वगैरह का भी डर नहीं है, क्योंकि बहुत क्लीन जगह है। ये देख सकते हैं आप, ग्रासी प्लाट है वो आगे की साइड पे, तो कहीं 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 दूर दूर तक भी कोई वो नहीं है कि बाद में शायद जगह जो है ना वो थोड़ी चेंज हो जाए या कुछ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक और वो कुआँ है इधर में, बहुत सारे कुएँ हैं, और पानी ये ज़मीन से ज़मीन से निकाल कर ये नहाते वगैरह हैं, क्योंकि फ़िल्टर वगैरह नहीं है, ये पी सकते हैं पानी। जैसा कि पाकिस्तान में मोस्टली पंजाब वाली साइड पे सब आदमी पानी नीचे का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी यही। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत प्यारा प्यारा नज़ारा है। तो अगर आप लोग मलेशिया में रह रहे हैं, अगर आपको कहीं पे जाना है दोस्तों के साथ में, तो ये पुलाव बस्सार बहुत ही बेस्ट प्लेस है मेरे लिहाज से। लंका भी और बहुत सारी जगहों से ये बेस्ट प्लेस है, क्योंकि इधर एक तो इतना ज़्यादा आदमी नहीं है, विज़िटर नहीं है, और ये अभी तक नेचुरल ब्यूटी में है। नेचुरल ब्यूटी में है, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, आपको खाना भी मिल जाएगा अगर आप साथ में, पानी भी मिल जाएगा, जो चीज़ आपको चाहिए सब अवेलेबल है। ऊपर थोड़ा सा शॉप भी हैं, आपको मस्जिद भी है इधर में, आपको नमाज़ पढ़ने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर आपके इरादे हैं 2-3 दिन रहने के लिए, तो ये बहुत ही मुनासिब जगह है, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा सा अगर आप सामान इधर से ख़रीदते हैं तो महंगा है, ऑफकोर्स वो लोग उधर से लेकर आते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, ज़ाहिर है उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह थोड़ी महंगी पड़ती है। तो सुबह सुबह तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, अभी अभी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं इधर में। तो ये मेरे दोस्त की बेटी है, सो रही है।
बहुत ही, वो हमारी अभी वो उस जगह पे जाने के इरादे हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। तो दोस्तों एक मरतबा फिर ये देखो, ये बकरे का गोश्त है। ये क्या वास्ते है, जूती न लावे? चल चल बोतल पक्का मचाम तो tapi satu ni sebab plastik ni, plastik ini sebab tu dia kalau keluar pun dia akan तो दोस्तों ये देखो देसी तरीका है, ये देसी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तनवीर। और वो देखो मेरे दोस्त को भी उसने जो है ना वो सिखाया है, क्योंकि उनके शूज़ जो हैं वो दूसरे हैं, तो ये पानी में जैसे ही वो स्टोन से टकराएंगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल आए। तो देसी तरीका निकाला है, अभी ये भी ऐसे ही करेगा। ए लामा लगी पुकल अन्ना बार उन्ना है आयु से अपनो तो दोस्तों ये हम पानी में लेकर जाएंगे उधर में। तो हर आदमी अपना पता नहीं, देखें इरादे तो यही है। अभी ये तौकीर बना रहा है बहुत सारा, ये सब बकरे का गोश्त है, ये हम अंदर में लेकर जाएंगे और उधर ही खाएंगे। चल बाबा बाबा प्ले ला, चल मक्कन सन्ना नहीं। Oh, air air tak tak ada dalam je tu. Yo tengok dia susah itu. तो ये मेरा बेटा है, छोटा है, दोस्त मिले हैं खेलने के लिए। जब छुट्टी होती है तो मैं लेकर आता हूँ लोगों को, नहीं तो घर में पड़ा होता है, बोरिंग होती है, बोरिंग। शायद वो मेरे ख्याल में सम विज़िटर वो लेकर आए हैं घुमाने के लिए। उन ये बोट है, यहाँ पे बहुत ही सस्ती मिलती है, यहाँ के लिहाज से सस्ती है। अब सिर्फ इसको 100 रिंगट देते हैं, पाकिस्तानी 4000 रुपया। वो आपको मलाका स्टेट से लेकर आएंगे, इस आइलैंड पे छोड़ के जाएंगे। सुबह आप आएँ इनके साथ और शाम को जो है ना ये आपको वापस वहाँ पर पहुँचाएँगे, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आप शाम को वापस जाना चाहते हैं, आप 3 दिन के बाद चले जाएं, 1 हफ्ते के बाद चले जाएं, वो आदमी आपको टेलीफोन नंबर दे देगा और उसको आप टेलीफोन करें तकरीबन 2-1 घंटे, नहीं तो उसको एक टाइम दे दें पक्का सा टाइम कि किस टाइम को आपने वापस जाना है, तो वो आपको उसी टाइम के ऊपर वापस लेकर जाएगा। बहुत अच्छे लोग हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत ईमानदार लोग हैं ये लोग, कोई इसमें वो नहीं है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप लेट हो गए या हो गए। जो बात हो गई इनकी डन होगी, उसी बात के ऊपर ये लोग कायम रहते हैं। तो इनमें ये सदाकत है, शायद इसी वजह से अल्लाह ताला के इनके ऊपर ख़ास मेहरबानी है। बहुत अमन है, बहुत सुकून है मलेशिया में। ये अगर इन लोगों को तंग ना करें तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, आपके लोगों के साथ फैमिली की तरह बर्ताव करते हैं। हम भी जब नया आए थे सुना था कि पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते थे, अपने घरों में लेकर जाते थे, तो देखा भी है, क्योंकि ये लोग
मैं इन लोगों के जब भी छुट्टी होती है इनकी फैमिली इनके गांव में चला जाता हूँ, या जैसे इनके साथ घूमने फिरने के लिए। अभी कल रात को भी आए थे तो इनका यहाँ पे मलाका स्टेट में एक घर है रिश्तेदार का, तो पूरा घर हमारे लिए उन्होंने खाली कर दिया, तो हम रात को भी उस घर में रहे थे। अभी जो है ना